नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक दुनिया में कैसी है ये सबको पता है। मोदी आज एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं। दुनिया भर के नेताओं में जहां मोदी का रुतबा दिन ब दिन बढ़ रहा है, वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हर तरफ एक तरह की शर्मिंदगी ही उठानी पड़ रही है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया। जिसमें से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देश भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये अवार्ड अभी तक नहीं मिला। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकारता को देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में बड़े बड़े एक्सपर्ट को लेकर इस बात पर घंटों चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के देश हाथों हाथ क्यों लेते हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भाव क्यों नहीं देते। दरअसल किसी भी देश की विदेश नीति का जो सबसे अहम पहलू होता है वो इस पर निर्भर करता है कि देश के अंदर सरकार का प्रदर्शन कैसा है, देश का एक्सपोर्ट कितना है, फॉरेन ट्रेड कितना है, देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। इसके अलावा ये भी निर्भर करता है कि विदेश में जो आपके देश के लोग काम कर रहे हैं उनमें ज्यादा तादाद किसकी है। मसलन भारत के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं उनमें ज्यादा वर्कर है या फिर इन्वेस्टर। अब अगर हम इन तथ्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि खस्ता हाल पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। जहां इमरान खान के राज में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, तो वहीं मोदी राज में भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा तथ्य ये है कि सभी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। 125 करोड़ आबादी वाले भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, जिसे दुनिया के तमाम देश सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की नजर से नहीं देख रहे, बल्कि भारतीय मूल के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट भी कर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं। अगर भारतीय मूल के लक्ष्मी नारायण मित्तल की बात करें तो उनकी कंपनी अर्सेलन मित्तल यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। भारत के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए देश की सेना को मजबूत कर रहा है। अगले 10 सालों में भारत करीब 100 बिलियन डॉलर का रक्षा सौदा करेगा, लेकिन आतंकवादियों को पैदा करने वाले पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा रक्षा सौदा कर सके, जिससे दुनिया की शक्तिशाली देश उसके साथ खड़े रहे। लेकिन भारत के पास वो दम है कि दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े रहते हैं। पाकिस्तानी टीवी पर हल्ला मचाने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि मोदी राज में भारत एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है। भारत की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्षमता इतनी बढ़ गई है कि खस्ता हाल पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं टिकता। नरेंद्र मोदी के शासन काल में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया के सामने उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस जैसे सुपर पावर आज भारत को अपने साथ खड़ा देखना चाहते हैं। 2014 के बाद से भारत ने किस तरह तरक्की की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे एक ग्लोबल लीडर बने, उसका एक उदाहरण तमाम देशों से उन्हें मिलने वाला सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पर। किंग अब्दुल अजीज सैश पुरस्कार। पीएम मोदी 2016 में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्हें 3 अप्रैल को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा गया। बता दें कि यह अवार्ड अभी तक किसी पाकिस्तानी नेता प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। जून 2016 में पीएम मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे। यहां पर पीएम मोदी ने अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया था। 4 जून को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड आमिर अमानुल्लाह खान से सम्मानित किया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला ये फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। बायलेटरल रिलेशंस बेहतर बनाने की कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 फरवरी 2018 में ये पुरस्कार दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और पर्यावरण के लिए अहम योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से पीएम मोदी को सितंबर 2018 में नवाजा। सियोल शांति पुरस्कार।
पीएम बनने के बाद अमीर और गरीब के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने के लिए अक्टूबर 2018 में साउथ कोरिया ने पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। फिलिप कोटलर पुरस्कार। 14 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। मार्केटिंग पर 55 से ज्यादा किताबें लिख चुके फिलिप कोटलर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग प्रोफेसर हैं, जिनके सम्मान में ये पुरस्कार देश के सबसे लोकप्रिय नेता को दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। भारत रूस की दोस्ती की दिशा में पीएम मोदी के पॉजिटिव पहल के लिए रूस ने 12 अप्रैल 2019 को द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया। ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है। निशान इज्जुद्दीन। प्रतिष्ठित विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला ये मालदीव का सबसे बड़ा अवार्ड है। जून 2019 में पीएम मोदी को मालदीव ने निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। 24 अगस्त 2019 को बहरीन के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड बिल गेट्स ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की ये फेहरिस्त बताती है कि दुनिया भर में कैसे उनका डंका बज रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले सिर्फ 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर से सम्मानित किया गया, तो वहीं मनमोहन सिंह को जापान और भारत के बीच 2009 में रणनीति साझेदारी के साथ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए जापान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ग्रैंड कॉर्डन ऑफ पोलोनिया फ्लावर से नवाजा गया। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, थैंक्स अ लॉट। हाउडी माय फ्रेंड्स, ये जो दृश्य है ये जो माहौल है ये अकल्पनीय है। और जब टेक्सास की बात आती है तो हर बात भव्य होने, विशाल होने, ये टेक्सास के स्वभाव में है। आज टेक्सास की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इस अपार जनसमूह की उपस्थिति केवल एरिथमेटिक तक ही सीमित नहीं है। आज हम यहां एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। एनआरजी की ये एनर्जी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। प्रेसिडेंट ट्रंप का यहां आना अमेरिका की महान डेमोक्रेसी के
अलग अलग प्रतिनिधियों का, चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, उनका यहां आना और भारत के लिए मेरे लिए इतनी प्रशंसा में काफी कुछ कहना, मुझे बहुत शुभकामनाएं देना, स्टेनी हायर, सेनेटर कॉर्निन, सेनेटर क्रूज और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रगति के बारे में कहा है, जो प्रशंसा की है, वो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का, उनके सामर्थ्य, उनके अचीवमेंट का सम्मान है। ₹130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन भारतीयों का ये सम्मान है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा भी बहुत से अमेरिकी मित्र आज यहां इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं हर हिंदुस्तानी की तरफ से सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जगह की कमी के कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए। जो लोग यहां नहीं आ पाए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं ह्यूस्टन टेक्सास प्रशासन को भी, उनकी भी भरी भरी प्रशंसा करूंगा, जिसने 2 दिन पहले अचानक बदले मौसम के बाद इतने कम समय में हालात को संभाला, व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, ये सिद्ध किया कि ह्यूस्टन इज स्ट्रांग।